हाँ हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत। कहते हैं प्रभुपाद कौन है? तो संपूर्ण विश्व में जो भगवत भक्ति अभी थोड़ी बहुत दिख रहा है, ये महापुरुष की वजह से। अगर ये महापुरुष इस जगत में नहीं आते ना, हमारे संतों का कहना है जो दुनिया दिख रहा है तो दुनिया भी ध्वंस हो जाए, तो दुनिया नहीं रहती। आपको पता होगा हर देश में सब देशों आटम बम बनाकर बैठे हुए, कब हम दूसरे देश को फेंकें? लेकिन अभी क्यों नहीं फेंक रहे? कृष्ण गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम जन माम को जानते थे। कहते ये बुद्धि देने वाले कौन? कृष्ण कहते नहीं, आटम बम बनाया किसने? बोले भगवान। बोले फेंक क्यों नहीं रहे? बोले भगवान ने बुद्धि नहीं दिया। बोले भगवान कब बुद्धि देंगे आटम बम फेंकने के लिए, लड़ाई के लिए कब देंगे? क्योंकि उनके बगैर पता भी नहीं मिलता है ना। जब देखेंगे ये दुनिया में कोई भी प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान देखेंगे दुनिया हम जिस काम के लिए बनाया, किस लिए दुनिया बनाया, किस लिए भगवान ये मानव शरीर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मातृ गर्भ से जब आए केवल भगवान के भजन के लिए ही हम आए, लेकिन आ करके जो करनी चाहिए उसको तो रख दिया पीछे और जो नहीं करनी चाहिए उसको रख दिया हमने आगे। जब भगवान देखेंगे दुनिया प्रभु की भक्ति के लिए बनाया, भक्ति कर ही नहीं रहे, फिर जो आटम बम बनाए ना, फिर तो विश्व युद्ध हो जाए। इसलिए संतों का कहना है ये प्रभुपाद की वजह से अगर ये महापुरुष नहीं आते तो दुनिया में जो भक्ति दिख रहा है, थोड़ी बहुत जो दिख रहा है, इससे महापुरुष की आशीर्वाद। कहती ये कौन है? कहती ये गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी की एक प्रिय दास सखी है। एक दिन श्री राधा रानी इनको बोले, बोले देखो इनका नाम नयन मणि मंजरी, मतलब प्रभुपाद कौन है? राधा जी के नयन, नयन मतलब ये आँख, मणि मतलब आँखों का जो पुतला होता है, आँखों में जो पुतला होता है, हैं? कहती यही राधा जी की जो आँख की जो पुतला है ना, जो मणि, यही प्रभुपाद है, यही श्रील प्रभुपाद है, हैं? इसलिए कहते हम कहते ना राधा रानी कौन है? बोले राधा रानी बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरी। राधा रानी करुणा की कृपा की जो मूर्ति है ये श्रीमती राधा रानी, ये करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी। इसलिए कहते अभी तक ए बच्चो आगे जाओ, उधर जाओ, उधर उधर खेलो चलो। इसलिए कहते इसलिए हमारी जो गुरु जी थे वो कहते थे अभी तक जगत में जितने साधु लोग आए हैं, जितने महापुरुष साधु लोग आए, उन्होंने जगतवासियों को जो चीज़ दिया है, एक तराजू लो, एक तराजू का एक तरफ में सारे साधुओं का जो जगत का जो दान उसको एक तरफ में कर दो, और जो प्रभुपाद की जो दान को तराजू का एक तरफ में रख लो, अब देखो कि प्रभुपाद का जो तराजू का जो तरफ रखेंगे उसका भारी पड़ेगा, उसको भारी दिखेगा। बोले क्यों? बोले अभी तक जो साधु लोग जगत में आए हैं, प्रचार किया, भक्ति किया, प्रचार किया, लेकिन वो भक्ति देश का किसी एक कोने में कहीं प्रचार कर दिया, लेकिन संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में ये हरिनाम की जो भक्ति प्रचार केवल ये प्रभुपाद ने किया है। इसलिए अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, वहाँ भी जा करके छुप छुप कर करना, अभी भी चाइना कम्युनिस्ट कंट्री वहाँ पर भी अभी भी जा करके छुप छुप कर प्रचार करना, और जो लोग इतना खाना उनका इतने गलती है, कोई कोई चीज़ को छोड़ते नहीं, गिरगिट को नहीं छोड़ते हैं, मेढ़ को नहीं छोड़ते, सांप को नहीं छोड़ते, सबको जो लोग खाने वाले हैं, लेकिन उनकी हृदय में भी प्रभु की भक्ति की संचार करना है और उनको भी प्रभु का भक्ति में डुबाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप तो हिंदू है, अब गले में कंठी पहनने के लिए शर्म लग रहा है तिलक लगाने के लिए, आप वृंदावन में जाओ देखो, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, लड़की लड़का को देखो, कम कमर बन गई, इतने बड़े बड़े तिलक, गला में कंठी, इतने बड़े चोटी, हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण, ये कोई आसानी बात नहीं है, हैं? ये कोई जो लोग ड्रग लेने वाले जो हिप्पी थे, हिप्पी से उनको हैप्पी बना देना, ये कोई साधारण बात नहीं। ये अंग्रेजी को देखोगे
हम तो हिंदू कोई गीता का श्लोक बोला हमें याद नहीं, पूरा की पूरा गीता के रटे के रटे हुए हैं। पृथ्वी में एक बम्बे में एक राधानाथ महाराज है, अब सोच नहीं सकते इतने लोगों को उन्होंने परिवर्तन किया, भारत के इतने लोगों को उन्होंने परिवर्तन जगत में किया जो सोच भी नहीं सकते। देख तेरे दंग रह जाओगे, उनकी भक्ति यूट्यूब में खोल कर देखो तो देखो दंग रह जाओगे। एक हजार हजार अंग्रेजी लड़का लड़कियां सब जब नवजवान कंठी तिलक लेकर के हरी बोल कर रहे, मेन रोड के ऊपर नाच रहे, विदेश में नाच रहे। अब यूट्यूब खोल कर कभी देख लेना, आप कभी यूट्यूब खोल कर देखना, उनको देखने से तो उत्साह मिलती है। ये कहाँ अंग्रेजी सब गो मांस खाने वाले हैं, गो मांस, लेकिन इनको परिवर्तन किसने किया? तो प्रभुपाद ने किया है, ये प्रभुपाद ने किया है। कहते इतने इनके अंदर में शक्ति कैसे आई? बोले ये कौन है? बोले राधा रानी की हैं, राधा रानी की कृपा कटाक्ष है, राधा रानी की कृपा ही ये एक मूर्ति रूप धारण किया। राधा रानी कौन है? कहते जगत की जो माँ है ये श्रीमती राधा रानी, ये जगत की ये माँ है। माँ के हृदय में क्या है? हृदय में बच्चों का प्रति वात्सल्य है ना। देखना अगर बेटे का अगर दुख देखे ना, माँ कभी सुखी नहीं रहता। पिता माता कब सुखी रहते हैं? जब बच्चे को सुखी देखे ना, बच्चे को सुखी देखे तो ये पिता माता सुखी रहते हैं। अगर बच्चे को दुखी देखे ना, पिता माता की कोई दुख नहीं है लेकिन बच्चे का दुख कष्ट है। देखना इसके लिए घुटन 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 सा है, हैं उनका तो घुटन सा है। बेटे को दुख दे करके वो दुखी 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 होते हैं। इसलिए हम कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। हमारे पिता माता कौन है? राधा रानी और कृष्ण है। अगर हमारी सुख देखेगा ना वो सुखी रहते हैं, हमारी दुख को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते राधा जी की नयन मणि मंजरी ही ये प्रभुपाद का रूप में आए, और प्रभुपाद का रूप में आकर के उन्होंने सर्वत्र उन्होंने ये हरि कीर्तन को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रचार किया है। इसलिए हम लोगों को भी हमारे जीवन सुनेंगे तो पता नहीं हम गाँव के किसी कोने में, कभी सोच नहीं सकता कभी यहाँ पर आए वृंदावन में आए। इनके भी देखो, आपको भी देखो, इनको भी देखो, सारा दुनिया के देखो ना। आप जब वृंदावन में आओगे, वृंदावन में कभी देखोगे कहाँ कौन सा देश का कौन कोने में हैं, कहाँ कहाँ साइबेरिया में हैं, कहाँ लंदन में, कहाँ फ्रांस से, कहाँ जर्मनी से, कहाँ इंग्लैंड से, कहाँ रसिया से। अब देखो वृंदावन में देखोगे एक साथ में सब दसों बैठ करके हरि कीर्तन हरि चर्चा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरना, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी। इसका मतलब है एक दिन ऐसे दिन आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में कंदरा कंदरा में शहर शहर में हाँ वो कहते काले और गोरे, काले और गोरे तो अब गांव में जाकर तो उतना ही सुना। इसलिए जिस समय कथा हुई, कथा को एकदम एक मन से सुनो, कथा को एक मन से सुनो, केवल सुनना नहीं उसको याद रखो। मैंने कथा में बहुत सारी एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी स्टोरी सुनाता हूँ, इसको याद रखो। याद कर क्या करो? दूसरों को भी सुनो। इसलिए वो प्रभुपाद कहते हैं, तब कितने बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद, ये जो माया कि संसार में जो फंसे हुए जीव है, अगर आप भगवान की कथा किसको सुना करके केवल एक व्यक्ति का मन को अपने प्रभु की भजने में लगा दिया, केवल एक व्यक्ति को, कहते इसका कितना पुण्य है। देखो कितना बड़ी बात कहते हैं। बोले कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे, करोड़ों करोड़ों और नक्षत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी केवल एक व्यक्ति को अगर आप प्रभु की कथा सुना करके भजन में लगा दिया, उससे करोड़ गुण ज़्यादा फल मिलेगा। वो कह रहे हैं बोले क्यों? किसको दवा दे दो दिन बाद फिर भूखा, जन्म मृत्यु का चक्कर, कपड़ा दे दो फट जाएगी, खाना दे दो घंटा बाद में फिर भूख लगने लग जाएगी, फिर भूख तुमको लगने लग जाएगी हैं। इसको अगर आप परमानेंट जो जीव का जो सोल्यूशन नहीं है उसका नहीं है, उसी चक्कर में माया के चक्कर में भटकते रहोगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगा दिया, कृष्ण गीता में कहते हैं माम उपतु तु कौंते पुनर्जन्म न विद्यते, हे अर्जुन जब मेरी भक्ति करके कोई जीव मेरे पास में आ जाते हैं फिर जगत में उसको दोबारा आना नहीं पड़ता है।
ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए वो मुक्त होकर के चले जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति है, वो प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए कथा को बहुत अच्छे तरह से सुनना, ध्यान दे करके। जब कथा हो सारे काम को छोड़ देना, कथा होने से पहले सारे काम कर लो, सब काम कर लो, कथा एकदम एक मन से सुनो। और उसको सुन करके क्या करो, जितना याद रहेगा आपका अड़ोसी पड़ोसी दूसरों को भी भक्ति की उपदेश करो, दूसरों को भी भगवान की ज्ञान दान करो। जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाल, ये भक्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। अभी आपको गांव में आपको प्रचार करना, घर घर में जा करके कितना इतना तो बोल सकते हैं, जीवन दुर्लभ जीवन भगवान ने दिया, कहाँ तक पढ़े आप? वकील है, वकील वकील है। देखो वकील एडवोकेट, अभी वो सारे विद्या को अभी भगवान की भक्ति विद्या में आपको जाते समय हम कुछ चीज़ देकर जाएंगे, किस चीज़ देकर जाएंगे, इसको सिंसियर रूप में लेना, ऐसे ऊपर से हल्का रूप में नहीं लेना, उसको पूरा सिंसियर रूप में लेना। और वो 5-6-7 क्लास आपको देकर जाएंगे। अब तो अंग्रेजी अच्छे जानते होंगे वो, उसमें अंग्रेजी में भी हिंदी में वो क्लास है, और प्रोजेक्ट पे देकर जाएंगे, और पिता और माता का आपको भी देकर जाएंगे। आप बैठ कर घर में उसको देखना, उसको अच्छे तरह से देखना, देख करके उस चीज़ को प्रचार करना। उसमें जो पहला क्लास है सर्च फॉर हैप्पीनेस, वो पहला क्लास है आपका। एक क्लास को अगर आप सही सही सुन लिया, दिमाग में बैठ दिया, किसी व्यक्ति को भी आप भजन में लगा सकते हो। कोई व्यक्ति बोलेगा ना, अरे भजन करने का क्या जरूरत है, हमारे को खा रहे हैं पी रहे हैं पैसा कमा रहे हैं ठीक ठाक है, भजन करने का क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो क्लास में बताएगा। इतने अच्छी तरह से उसमें समझाया, साइंटिफिकल रूप में जो क्लास है ना कॉलेज में, बच्चों को कैसे समझाए। अभी का जो एजुकेटेड बच्चे हैं जो धीरे 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 विमुख में जाते हैं, कैसे उनको आप समझाओगे क्यों भजन करनी चाहिए। एक क्लास अगर आपने अच्छे तरह से देख लिया, रट लिया अच्छे तरह से, हैं देखना आप किसी को भी भक्ति में परिवर्तन कर सकते हो। दूसरा क्लास है डज गॉड एग्जिस्ट, दूसरी क्लास है। कोई बोलता है भगवान को तुम देखा है, जो कोई चीज़ देखा नहीं हम कैसे मान लेंगे भगवान है। लेकिन आप साइंटिफिकल रूप में इसके प्रूव कैसे करोगे, नहीं भगवान है, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसको कैसे। तीसरा जो क्लास है हुआ आम आए, हमारा साइंस कहता है ना, नहीं ये तो शरीर है आत्मा फात्मा थोड़ी देखे, वो तो मशीन ही। लेकिन आप उसको साइंटिफिकल रूप में कैसे प्रूव करोगे, नहीं आत्मा राम का कोई चीज़ एक है तभी ये शरीर चलता है, हैं। उसका जो चौथा क्लास है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जगत में तो 33 करोड़ देवता है, अभी हम कृष्ण भक्ति ही क्यों करें, कृष्ण कौन है, और ये देवात भी है कौन, उसमें एक क्लास है। उसमें जो पंचमा क्लास है हाँ बैड थिंग हैपनिंग फॉर गुड पीपल, उसमें कहते कभी कभी हम भक्ति भजन करते हैं, कहते भैया हम इतने भक्ति भक्ति कर रहे हैं क्यों, जीवन में दुख कष्ट क्यों आता है, क्यों आता है, इतनी अच्छी अच्छी क्लास है। लास्ट का जो क्लास है अपना जीवन को अपना भक्तिमय प्रेममय कैसे बनाओ, मतलब ऐसे 5-6 क्लास है। इसलिए आपको ये सब चीज़ देख रही जाएगी। अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी तो कोई काम धाम है, अब रिटायर्ड लाइफ है, इसलिए 50 के बाद में एकावन बावन मतलब घर में नहीं वृंदावन जाओ भजन करो, 53-54 मतलब जानबूझ कर संसार में वो टांग ज़्यादा मत अड़ाओ, नहीं अड़ा करके जितना बच्चा कुचा हुआ समय को भजन में लगा। हम चाहते हैं जितने आपको उम्र बच गया अभी पूरा एनर्जी प्रभु की भक्ति में लगाना, स्वयं भक्ति करना और दूसरों को भी भक्ति में लगाना, ठीक है ना। ठीक है बाबा, ठीक है। अभी ये हर चीज़ को हम देख करके जाएंगे, ये चीज़ को जैसे विषय का दिखे ना, अगर सब मिलकर करोगे ना एक दिन सारा दुनिया भगवान की भक्ति भक्ति में डूब जाएगी, हैं सारा दुनिया भक्ति भक्ति में दुनिया डूब जाएंगी, ठीक है। अकेले से नहीं होता, सब मिलकर, हाँ और क्या, सब मिलकर करके ना पूरा ये सोसाइटी बदलेगा, हैं। जिस सोसाइटी में भगवान के नाम कीर्तन भजन होना प्रभु जी, वो आनंद वो साक्षात जन समझो, ये मरते जगत में वो गोलोक वृंदावन है, ये मरते जगत में ही गोलोक वृंदावन बन जाएगी, सब घर में भजन कीर्तन आनंद सुख में सबके सब रहेंगे, शांति में रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये महापुरुष जिनकी उपदेश हम सुनने के लिए जा रहे हैं, यही महापुरुष का ये देन है। चैतन्य महाप्रभु बोले थे दुनिया में एक दिन सबके सब व्यक्ति भगवत भजन भक्ति करेंगे, और ये महापुरुष ने इस चीज़ को सार्थकता किया है।
और इनका एक विशेष शिष्य हुए हैं स्वामी महाराज, जो इसको ने स्थापन किया, जिन्होंने विदेश में जा करके उन्होंने लोगों को परिवर्तन कराया। ठीक है, इनकी एक उपदेश आज सुनते हैं, रोज रोज एक एक दो दो उपदेश सुन लेंगे। ठीक है, देखो इनका पहला जो उपदेश है, कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही गौड़ीय मठ के एकमात्र उपास्य। इन्होंने जो मंदिर स्थापन किया, इनका नाम गौड़ीय मठ है। गौड़ीय मतलब होता है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका जो रंग था गौर रंग था, इसलिए इनका बचपन का नाम रखा गौरांग, हैं इनका नाम गौरांग। महाप्रभु का दूसरा नाम है गौरहरि, गौरहरि, गौरहरि क्यों, गौर मतलब राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण, कहते राधा कृष्ण दोनों मिल करके वो एक स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, इसलिए इनका नाम गौरहरि हैं। और इन्होंने जो भक्ति प्रचार किया, मतलब हम लोग जिस मंदिर से आए इसका नाम गौड़ीय मठ मतलब है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का नाम से। और महाप्रभु कहाँ जन्म हुए, बोले बंगाल में, पहले उनका राजधानी था गौड़देश, राजधानी पहले गौड़देश था। और हमारे जो संप्रदाय हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय मतलब है श्री मध्वाचार्य हमारी संप्रदाय के जो प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य हुए, कहते इनका बचपन का नाम था गौड़पूर्ण है, इसलिए बहुत सारी विचार से हम लोग गौड़ीय मठ कहते हैं। और गौड़ीय मतलब राधा रानी गौरी, राधा रानी गौरी गौरांगी है, इसलिए जो विशेष करके राधा जी की भजन अनुगत्य में भजन करते हैं इसे उनका नाम ये गौड़ीय है। कहते हमारी उपासना क्या है, हमारी उपासना क्या है, बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, मतलब है कलयुग में और कोई भगवत प्राप्ति के और कोई उपाय नहीं, केवल भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना। इसलिए महाप्रभु ने उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल उन्हें 8 श्लोक उन्होंने लिखा है। और ये 8 श्लोक में केवल भगवान के नाम की महिमा है, भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, किस रूप में नाम जप करनी चाहिए, नाम जप करते 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 तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्यों, समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है ये भगवान के नाम। अगर हमने भगवान के नाम जप कर रहे मतलब हो गया हमने सारे वेद वेदांत उपनिषद सारे को हमने पढ़ लिया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, मतलब भगवान की जो नाम कीर्तन, यही नाम कीर्तन की जय जयकार हो, भगवान की नाम को ही जय जयकार हो। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, कहते यही हरिनाम ही हमारी सबसे बड़ा उपास्य है, उपास्य है हाँ, कहते भगवान के नाम कीर्तन, और इसी सहित में सब कुछ मिलेगा। महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, त्रिपुली देव हरे राम राम राम, और दोबारा बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर आप ये हरि नाम जप करोगे इसी सहित में सर्वसिद्धि मिलेगा। सर्वसिद्धि मतलब जो मांगोगे तुम्हें वही प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है, बल एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्च। इसका मतलब है कि जीवन में व्रत क्या करो, अपना जीवन में व्रत क्या, हम कहते ना भैया हमने व्रत रखा है, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, व्रत मतलब होता है हमने ये व्रत लिया है, ये पण ठाना है, ये हमें ये करना ही है। इसलिए कहते भैया जीवन में क्या व्रत रखो, तो जीवन में एक ही व्रत रखो, स्वप्रिय नाम कृत्वा, अपना प्रिय नाम को जप करो। अपना प्रिय नाम जैसे हमारी ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही हमारे जीवन का व्रत है। बोले इसको करने से क्या होगा, देखो अच्छे उदाहरण हमारे रूप गोस्वामी बताए, जैसे मिश्री मीठा है,
लेकिन ये मिश्रित तो मीठा है, लेकिन किसी किसी को कड़वा भी लगता है। किसको कड़वा लगेगा बता? किसको कड़वा लगेगा बताओ? किसको मिश्र किसको कड़वा लगता है? जिसको पीलिया गिरे हो, जंडिस की बीमारी हो, आप देखना जो कुछ खाएगा ना उसको सब कड़वा कड़वा लगेगा। कहते भगवान का नाम कैसे है? बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगला नाम। भगवान का नाम मीठा से भी मीठा है और मंगल से भी मंगल भगवान के नाम है। इससे मीठा जगत में और कुछ है ही नहीं, सबसे मीठा भगवान के नाम। प्रश्न ही फिर हमें अच्छा क्यों लग रहा? अभी अच्छे क्यों? अगर टीवी में कोई आई चीज़ जाए ना तो तीन तीन चार चार घंटा बैठे देखते हैं, लेकिन बड़ा थोड़ा थोड़ी देर हरिना पाँच दो मिनट किया, ये कब खत्म हो, कब खत्म हो? हाँ बेचैनी से हो जाती है, कब खत्म हो? बोले क्यों, कारण क्या है? बोले कारण है हमारी पूर्व जन्म में कुछ पाप हमने किया है, वो पाप करने का नाते भगवान का नाम है मीठा नहीं लगता। इसलिए जब श्री नारद जी वाल्मीकि को बोले दशरथ ना कर राम बोल, लोग इतना बड़ा पापी था उसको मुझे राम ही नहीं निकला। बोले क्यों, पापी था ना इसलिए नाम नहीं निकला है, नाम नहीं निकला। इसलिए वो संत कहते रूप गोस्वामी स्यात कृष्ण नाम चरित अभिद्या रसनास न रचिकानो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे जीवा में अभिद्या पाप बैठा हुआ है। इसलिए फिर उपाय किया तो उसको उपाय बताए। जैसे पहले पहले जिसको जंडिस होता था ना, जब डॉक्टर के पास में जाता था बोले देखो तुम मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री तो मीठा लेकिन तुमको मीठा नहीं लगेगा, क्यों? तुमको बीमारी कड़वा लगेगा, लेकिन चूसते रहना उसको, चूसते रहना, और चूसते 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 क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी जो बीमारी वो खत्म होती जाएगी, बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन देखना मिश्री इतने मीठा लगने लग जा कि तुमसे छुटेगा, फिर तुमको छुटेगा नहीं। क्या उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन अभी मीठा नहीं लग रहा, कड़वा लगता है। बोलो उपाय किया? बोले सो चूसते रहो, चूसते रहो, मतलब मन नहीं चाहेगा, लेकिन मन नहीं चाहने पर भी माला लेकर के थोड़ी समय बैठो, जोर करके थोड़ी समय उसको बैठो, और हृदय से प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करो। सो जप करो, देखना जप करते करते पाप हमारी खत्म होती जाएगी और जीवन में पुण्य उदय होती जाएगी, और जितने हमारे जीवन में पुण्य सुकृति उदय होगा उतना भगवान के नाम हमें अच्छे लगेंगे, उतना भगवान के नाम हमें अच्छी लगेगी। फिर तो यही से अवस्था हो जाएगा ना। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडविन वितनुते तुंडा बलि लब्ध कर्ण क्रड़ो कड़मिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जान जनित किम अद्भुत कृष्ण। वो कह रहे हैं कहते कृष्ण ये जो दो अक्षर है भगवान इसमें कितना रस भर दिया, उसमें कितने आनंद दे दिया। इसमें जब ये दो अक्षर जिह्वा में उदय होता है ना, लगता है ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं है, इतना कृष्ण नाम में मीठा केवल एक ही जीव क्यों क्यों जिया दे दिया। भले वो ऐसे थिरकने लग जाती है तुंडे तांडव निपितन उते है, जैसे शंकर जी का नृत्य जैसे तांडव नृत्य है, जो जीवा ऐसे नृत्य करता है उसको पकड़ करके भी रखा नहीं जाता। बोले अबली हे प्रभु हमें अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया? जब कान में प्रवेश करता है बोले इतने मीठा नाम सुनने के लिए दो ही कान दे दिया, सारा शरीर में कान ही कान क्यों नहीं दे दिया? कर्ण करड़ो कड़विनी कहते करड़ो करड़ो कान क्यों नहीं दिया? जब हृदय में प्रवेश करता है लगता है जैसे आनंद की रस की धारा बह रही है, सारे प्राकृतिक इंद्रियों को स्तब्धभूत कर देता है, अप्राकृतिक दिव्य अनुभूति को ले रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं इसलिए जब प्रभु का नाम को धीरे धीरे जप करेंगे हमारे सारे पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे पुण्य उदय होगी, फिर तो इतना आनंद आएगा। इसलिए जाता अनुराग धीरे धीरे तुम्हारे नाम का प्रति अनुराग आएगा, और अनुराग आएगा तो क्या होगा, भगवान के नाम में तुम्हारी अनुराग तो क्या आएगा? बोले हरिनाम करते ही नयनम गलदस्त धारे, हरिनाम करते करते तुम्हारी आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी, हृदय तुम्हारी आनंद में भर जाएगी है, हृदय प्रेम में भर जाएगी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोम रोम खिल उठेगा, आनंद से विभोर हो जाओगे हैं। जब कृष्ण नाम लेते 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 लेते
जब ये चीज आएगा, गला कंठ रुद्ध हो जाएगा, फिर क्या होगा? असत्यथ। असत्यथ मतलब होता है जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारे सामने प्रभु का लीला दिखने लग जाएगी, बड़े सुंदर सुंदर प्रभु की लीला दर्शन करोगे। इसलिए प्रभु का लीला देख कर हा 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 करते हंसने लग जाओ। तब उन्होंने की लीला समझाए क्यों हंसता है, एक सुंदर कथा सुनाए। एक दिन कृष्ण किसी गोपी घर में मक्खन चोरी करने गए। वो गोपी पहले से ही मटकी में सुंदर मक्खन धर कर कृष्ण के रख लिया। बोले आज कन्हैया आएगा ना, आज मैं पकड़ करके कन्हैया को रखूँगी, बांध करके रखूँगी और कृष्ण की सेवा करूँगी। इतने में कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे कोई है ही नहीं, लेकिन पता नहीं कोने में छुप कर बैठी हुई। कृष्ण जैसे बिल्ली चलते हैं ना, ऐसे धीरे 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 अंदर में गए। जा करके कृष्ण मक्खन खाना शुरू कर दिया। जब बोले मक्खन खा ले फिर तुम्हें पकड़ूंगी, क्यों इनके लिए तो मक्खन तो उनके लिए बनाया ना। बोले खा ले। कृष्ण जब मक्खन खा लिया ना, वो गोपी जाकर झट पकड़ लिया। बोले आज कहाँ जाओगे लाला, कहाँ जाओगे, तेरे को आज मैं बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल नहीं आऊंगा, तेरे पाप बढ़ता हूँ, तेरे सास की पाप, तेरे खसम की पाप, तेरे ननंद की, आज छोड़ दे, कल से मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं, आज तो तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। बोले खंभे पर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे और अपना रिबन होता है ना छोटी बांध, उसको निकाले। निकाल करके जब बांधने के लिए जाए, भगवान का हाथ तो मक्खने से भी कोमल है, वो बंधने में नहीं आए, वो खिसक जाए। कृष्ण पूछा क्यों गोपी, तुमने कभी खुद बंधी गई कि नहीं? अगर खुद बंधी नहीं जाओगे बांधोगे इसे? बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंभे के ऊपर, अगर सिखाता हूँ। उसने खंभे के ऊपर हाथ रखे। बोले एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ, दो गांठ, अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या। हाँ बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम में तुम्हारी क्या, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि हैं, जो ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति तथा परिनिष्ठित निर्गुण ने उत्तम श्लोक ले लिया, जो निर्गुण ब्रह्म में जो बड़े बड़े ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी जैसे, शंकर जैसे, चतुसन जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, जो ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति है आत्मा रामस्त मुनयो, जो आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े व्यक्तियों को भी अपना प्रेम रज्जू में बांध देती हूँ, हाँ उनको भी बांध देता हूँ मैं। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना कभी सिखाई नहीं, सबको तो मैंने बांधना ही सीखा। बस कृष्ण अंगूठी दिखाई, बस वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गए। इसलिए कभी कब हंसता है, जब ये सब लीला को दर्शन करता है। एक दिन और भी एक गोपी कृष्ण को सोचे, आज तो कृष्ण किसी तरह से पकड़ में नहीं आए, हाँ ये पकड़ में नहीं आए। बोले एक काम करो, पता नहीं ये कब घर में आता है और कब मक्खन खाकर भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। एक काम करो, जो छिके के ऊपर में बेल बांध दो, जब कृष्ण मक्खन उतारेगा बेल हिलेगी, आवाज होगी तो फिर पता चलेगा। उन्होंने बेल लटका दिया। कृष्ण सखाओं के साथ में आए। बोले भैया ये क्या नया फांद है? वो समझ गए मेरे को बांधने के लिए, हाँ पकड़ने के लिए फांद रचे। कृष्ण वो बैल से बोले, बोले भैया तू है कौन? बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु है। बोले ये बताओ सेवक का प्रभु का प्रति क्या कर्तव्य है? बोले आदेश पालना करना। बोले देखो जब तक मैं मक्खन खाऊंगा जब तक बजना नहीं, जब मैं चला जाऊँ फिर बजना। बोले प्रभु कोई बात नहीं। कृष्ण मक्खन उतार बजा ही नहीं, वो जैसे के तैसे रहे। देखो उतार करके जब खाने लग गया ना बैल अपने आप बजने लग गया। बोले तू क्यों बज रहे हो? बोले प्रभु पता नहीं, जब तक घंटी नहीं बजते ना आपका भोग नहीं लगता है, हाँ भगवान को भोग लगा तो बेल बजाते हैं ना। बोले आपको भोग ही नहीं लगेगा। कृष्ण जल्द जल्द दिखाए और वहाँ से भागे। बोले हसत्यथ, प्रभु की लीला दर्शन करके हंसने लग जाते। बोले रोदती, कभी कभी रोते हैं। बोले क्यों? जब भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, विरह में रोने लग जाते हैं। फिर नृत्यती, जब इतने दुखी हो जाते हैं भगवान देखते ही तो मेरे विरह में प्राण त्याग दे देगा, फिर भगवान पुनः दर्शन देते हैं और दर्शन करके फिर हंसने लग जाते, नाचने लग जाते, कभी जमीन ऊपर लौट पोट खाने लग जाते हैं। इसलिए कहते अगर भगवान की, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारी गौड़ीय मठ का जो मूल उपास्य है ठाकुर का नाम कीर्तन है। यही हरि नाम करते करते हमारे हृदय परिष्कार होगा,
हृदय रूपी कुमुदनी खिलेगा, प्रति पद पद में नई नई आनंद की अनुभूति होगी और एक दिन ही कृष्ण भक्ति रस में हम डूब जाएंगे। ठीक है, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।